हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेनर, अ नॉवल रिटन बाय अरुण जोशी। अब एक्चुअली फॉरेनर इस वर्ड का बेसिक मीनिंग है कि द पर्सन लिव्स इन अदर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो किसी और कंट्री में रहता है। लेकिन यहाँ पर इस नॉवल में फॉरेनर का मीनिंग है अ पर्सन हु बिलोंग्स टू नोवेयर, एक ऐसा बंदा जिसे किसी भी लैंड से, किसी भी कंट्री से, किसी भी कल्चर से कोई अटैचमेंट नहीं, जो कहीं का नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग है इस नॉवल में फॉरेनर का। अब इसका जो बेसिक थीम है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म या ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर बोल सकते हैं आप, या एलिनिएशन, कई थीम्स है इसमें। ये नॉवेल जो है ये अरुण जोशी जी का फर्स्ट नॉवेल है और इसे ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 1968 में। अब इससे पहले कि हम इस नॉवेल की स्टोरी को जानें, हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो है सिंधी ओबेरॉय जो कि इस कहानी का हीरो है। अब ये हीरो जो है, मतलब सिंधी ओबेरॉय, इसे ये खुद को लॉस्ट महसूस करता है, जैसे कि वो किसी का नहीं है, कोई जगह उसकी नहीं है, कोई वैल्यूज़ उसकी नहीं है, कोई कल्चर उसका नहीं, उसे किसी भी कल्चर से, किसी भी कंट्री से कोई अटैचमेंट ही फील नहीं होता है। और इसके पीछे उसका बैकग्राउंड भी है जो हम कहानी में जानेंगे। लेकिन ये जो सिंधी ओबेरॉय है ये अजीब बंदा है। नॉवल में आपको एक दो कैरेक्टर्स के कुछ कमेंट्स भी ऐसे मिलेंगे कि यू आर अ स्ट्रेंज पर्सन, तुम ह्यूमन बीइंग लगते ही नहीं हो, ऐसे कुछ कमेंट्स हमें नॉवल में देखने को मिलते हैं। और ये जो सिंधी ओबेरॉय है ये किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी इंसान को कमिट नहीं होना चाहता है, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसे हमेशा ऐसा लगता है कि ये रूटलेस है, ये लॉस्ट है। अब जानते हैं जून ब्लिप, सेकेंड कैरेक्टर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एक हेल्पफुल काइंड की अमेरिकन लेडी है जो सिंधी ओबेरॉय के साथ में रिलेशनशिप में होती है, लेकिन शादी ये बाबूराव खेमका से करती है जो कि सिंधी ओबेरॉय का दोस्त है। बाबूराव खेमका ये एक इंडियन स्टूडेंट है जो बोस्टन में पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है। ये सिंधी ओबेरॉय का दोस्त है और जून ब्लिथ का पति है। मिस्टर खेमका ये डेली टाइकॉन, बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है। इस बंदे को अपनी फैक्ट्री, बिजनेस, पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा इसे अपने पैसों से प्यार है। बहुत ही सख्त किस्म का ये बंदा है मिस्टर खेमका, और ये काफ़ी गलत काम भी करता है पैसे कमाने के लिए। ही वॉन्ट्स मनी बाय हुक और क्रुक, ऐसा बंदा है मिस्टर खेमका, जो कि बाबूराव खेमका के पिता हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है शीला, जो कि बाबूराव खेमका की छोटी बहन है। अन्ना ये एक मिडल एज्ड वुमन है जो कि साहो में एज अ आर्टिस्ट काम करती है। कैथी ये एक शादीशुदा औरत है जो सिंधी ओबेरॉय के साथ में रिलेशनशिप में है। मिस्टर घोष ये मिस्टर खेमका के फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय था, लेकिन बाद में ये इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है और मिस्टर खेमका से रिवेंज लेने के लिए आखिर में यही उन्हें जेल भिजवाता है। मुथु ये फैक्ट्री में जॉब करने वाले लेबरर्स का हेड है, और एंड सीन में जो ये सिंधी ओबेरॉय से, मतलब हीरो से जो ये कहता है, उस वजह से ये कैरेक्टर यहाँ इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब नॉवेल का ओपनिंग सीन एक्चुअली ये है कि सिंधी ओबेरॉय को, मतलब प्रोटैगोनिस्ट को, शवगृह में बुलाया जाता है। एक बॉडी दिखाई जाती है, बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है, और वो डेड बॉडी जो होती है बाबूराव खेमका की। बाबूराव खेमका की डेथ हो चुकी है कार एक्सीडेंट में, और एक्चुअली वो कार एक्सीडेंट नहीं होता है, बाबूराव खेमका ने सुसाइड किया होता है। यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें सिंधी ओबेरॉय के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। तो हम स्टोरी को वहीं से शुरू करते हैं। सिंधी ओबेरॉय इस कहानी का जो हीरो है उसका जन्म होता है नैरोबी में। इसके पिता जो है वो इंडियन है और माँ जो है वो इंग्लिश है, और केनिया में इसका बर्थ होता है। लेकिन ऐसे मिक्स पैरेंटेज में जब सिंधी ओबेरॉय का बर्थ होता है तो महज 4 साल बाद ही अनफॉर्चुनेटली इसके माता पिता की एक एयर क्रैश में मौत हो जाती है कैरो के पास में, और ये अनाथ हो जाता है। फिर इसके चाचा जो है जो इसको गोद लेते हैं सिंधी ओबेरॉय को, कुछ सालों के भीतर उनकी भी डेथ हो जाती है, और फिर जिसे सिंधी ओबेरॉय अपना कह सके या जिससे वो इमोशनली कुछ अटैच हो सके, ऐसा उसके लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है।
इवन सिंधी ओबेरॉय को उसके पेरेंट्स के बारे में जब भी पूछा जाता है तो ही फील्स वेरी इरिटेटेड। उसके पेरेंट्स की याद, मतलब उसके लिए सिर्फ कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, उससे भी उसे कोई खासा अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये जो सिंधी ओबेरॉय है ये लंदन जाता है पढ़ाई करने के लिए, फिर वहाँ से ये जाता है साहू, जहाँ पर ये एज अ डिश वॉशर जॉब करता है, एक बार में वो वेटर की तरह भी जॉब करता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात होती है अन्ना से। अन्ना जो एक मिडल एज्ड वुमन है, अभी अन्ना जो है ये इसके साथ में इन्वॉल्व होती है सिंधी के साथ में, और एट ए टाइम जब ये अन्ना के साथ में है तभी ये एक और लेडी के साथ में रिलेशनशिप में होता है जिसका नाम होता है कैथी। अब कैथी ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन इसके बावजूद वो सिंधी ओबेरॉय के साथ में रिलेशनशिप में होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद में उसे ये एहसास होता है कि वो गलत कर रही है अपने हस्बैंड के साथ में, वो वापस अपने हस्बैंड के पास में जाना चाहती है और वो सिंधी ओबेरॉय के साथ में अपने रिलेशन तोड़ देती है। इधर अन्ना भी सिंधी ओबेरॉय की और कैथी की सच्चाई जानकर सिंधी ओबेरॉय को छोड़ देती है। अब सिंधी ओबेरॉय थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है क्योंकि कैथी उसे सच में काफ़ी पसंद होती है। उसके बाद में ये स्कॉटलैंड जाता है सिंधी ओबेरॉय, और वहाँ पर जो है ये एक छोटी सी गांव की लाइब्रेरी में जॉब करता है। वहाँ के प्रिस्ट से ये मिस्टिसिज्म, मतलब अद्वैत, अध्यात्म, धर्म, इन सब बातों पर काफ़ी चर्चा करता है। फिर वहाँ से ये जाता है बोस्टन, बोस्टन में ये 6 साल तक पढ़ाई करता है, पीएचडी डिग्री लेता है, और वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है जून ब्लिथ से। अब जून ब्लिथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अमेरिकन लेडी है जो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हेल्पफुल नेचर की है, तो सिंधी जो है ये जून की तरफ अट्रैक्ट होता है। लगभग 2 साल तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं और सिंधी को जून काफ़ी पसंद भी आती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगता है, इन्वॉल्व भी होने लगता है। लेकिन जब जून उससे शादी के लिए पूछती है, उसको प्रपोज करती है मैरिज के लिए, तो सिंधी ओबेरॉय सीधे सीधे मना कर देता है, और मना करते वक्त वो वजह ये देता है कि उसे जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना है, उसे कमिट नहीं करना है और उसे डिटैच रहना है हर चीज़ से, तो वो इसे किसी रिलेशन के लिए कमिट नहीं कर सकता है। अब ये सुनकर जून ब्लिथ काफ़ी नाराज़ हो जाती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है, उसे लगता है कि सिंधी ओबेरॉय ने उसे एज ए मिस्ट्रेस यूज़ किया इतने दिनों तक। और इसी बीच वो जून जो है वो बाबूराव खेमका की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि बाबूराव खेमका उसको प्रपोज करता है जून ब्लिथ को, तो बाबूराव खेमका से शादी करने के लिए हामी भर देती है। अब जून ब्लिथ के एक्चुअली जो पापा होते हैं उसकी माँ को डिवोर्स दे चुके होते हैं, तो अकेली माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया होता है जून ब्लिथ को। अब जून ब्लिथ ने बाबूराव खेमका से शादी कर ली। अब बाबूराव खेमका जो है ये एक ओवर कंट्रोल इंसान है, ओवर कंट्रोल बाय हिज फादर। मिस्टर खेमका ऑलरेडी काफ़ी सख्त किस्म के पिता है, और बाबूराव खेमका जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आया होता है बोस्टन, लेकिन एकेडमिक्स में वो काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा होता है, ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम में वो फेल हो चुका होता है। उसे अपने पापा का काफ़ी डर भी लगता है। इधर उसे जून ब्लिथ और सिंधी ओबेरॉय के रिलेशनशिप पर डाउट होता है। सिंधी ओबेरॉय जो है वो एक्चुअली बाबूराव खेमका का दोस्त है, वो सिंधी से एक बार पूछता भी है कि भाई जून के और तुम्हारे बीच में कुछ है क्या, तो सिंधी ओबेरॉय सीधा सीधा मना कर देता है। जब उसे सिंधी ओबेरॉय और जून के इवन उनकी शादी के बाद में भी रिलेशन है, पहले भी थे वो बाद में भी है, ये जब उसे समझ में आता है तो उसे काफ़ी दुख होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और इसी डिप्रेशन में वो सुसाइड कर लेता है। ओके, जब बाबूराव खेमका की मौत के बारे में जून को पता चलता है तो वो भी सुसाइड कर लेती है, और कहीं ना कहीं इन दोनों की मौत का जिम्मेदार सिंधी ओबेरॉय होता है। इससे सिंधी ओबेरॉय थोड़ा डिस्टर्ब होता है इस बात से, और उसके बाद में वो पॉइंट को फ्लिप करता है और डिसाइड करता है कि वो इंडिया जाएगा। अब एक्चुअली डिसीजन भी कैसा लिया है, कॉइन फ्लिप करके लिया हुआ है, और फाइनली वो जाता है दिल्ली और वहीं जाके वो सेटल होता है। अब दिल्ली वो जाता है बाबूराव खेमका के घर, बाबूराव खेमका की तो डेथ हो चुकी है लेकिन वो उसके पिता से जाके मिलता है, वहीं उसकी मुलाकात उसके बहन शीला से भी होती है। अब बाबूराव खेमका उसे उनके फर्म में एक छोटा सा जॉब देते हैं जो काफ़ी अच्छे से करता है। बाद में धीरे धीरे बाकी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं फर्म में के, उनका इसके सिंधी ओबेरॉय के लिए अच्छा ओपिनियन भी होता है। अब मिस्टर खेमका काफ़ी इलीगल चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं,
टैक्स अंडर पेमेंट वगैरह ऐसे इश्यूज़ में। तो मिस्टर घोष जो कि उनकी फैक्ट्री में पहले जॉब करता था, वो उन्हें आखिर में जेल में भिजवा देता है मिस्टर खेमका को। अब फर्म में कोई होता नहीं है जो फर्म को लीड कर सके, तो उसमें जो मुथु जो होता है जो कि लेबर्स का हेड होता है, वो अब मिस्टर खेमका के अरेस्ट के बाद में सिंधी ओबेरॉय डिसाइड करता है कि वो बॉम्बे चला जाएगा। लेकिन मुथु जो है उनको रिक्वेस्ट करता है कि भाई फर्म में सिर्फ एक आप ही हो जो ऑनेस्टली जॉब करोगे, उस फर्म को संभालोगे ठीक से, ऑनेस्टली अपना काम करोगे, सो वी ट्रस्ट ऑन यू। तो ये सुनने के बाद में सिंधी ओबेरॉय जो है वो अपना बैग अनपैक कर देता है, जहाँ से उसने चीज़ें पैक की थी वहाँ वो वापस रख देता है सारी, और वो डिसाइड करता है कि वो वहीं रहेगा। एक फर्स्ट वाला सीन था जब बाबूराव खेमका की बॉडी देखता है, वो नॉवेल का ये ओपनिंग सीन होता है। लास्ट सीन जो होता है कि मुथु से रिक्वेस्ट करता है और वो वहाँ रुक जाता है। थ्रू आउट द नॉवेल हमने देखा है कि बंदा कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, किसी से अटैच नहीं होना चाहता, उसे हमेशा ये लगता है कि इज़ लॉस्ट, कोई कल्चर उसका नहीं, कोई कंट्री उसकी नहीं। और आखिरी में यही बंदा मुथु के कहने पर वहाँ रुक जाता है। नाउ ही इज़ रेडी टू कमिट। एक चेंज पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द नॉवेल। जो बंदा खुद को सोसाइटी से, इस यूनिवर्स, इस वर्ल्ड से एलिनेटेड महसूस करता है, फॉरेनर महसूस करता है अपने आप को, वो बाद में हमें एक चेंज पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। नाउ ही इज़ रेडी फॉर द इन्वॉल्वमेंट, ही इज़ रेडी फॉर द कमिटमेंट। अब किसी के बोलने की वजह से उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, किसी की फीलिंग्स का उस पर कुछ असर हो रहा है। तो ये जो है नॉवेल, ये एक्चुअली में सिंधी ओबेरॉय की जर्नी है। ये अमेरिका में लाइफ ऑफ एलिनेशन थी उसकी, वहाँ से ये बदल कर आता है लाइफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इंडिया में जो सिंधी ओबेरॉय का लाइफ होता है, वहाँ में देखता है कि नाउ ही हैज़ हिज आइडेंटिटी, ही हैज़ पर्पज इन हिज लाइफ। थ्रू आउट द नॉवेल हमें देखने को मिलता है कि ही इज़ नॉट एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। वो सोसाइटी से डिटैचमेंट, बाकी लोगों से जो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा था, वो एक्चुअली एलिनेटेड था ही नहीं, वो एलिनेटेड था खुद से, क्योंकि वो प्रैक्टिस कुछ और कर रहा था, एक्शंस कुछ और थी, सोच कुछ और थी। जब जून से उसका अफेयर होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका ये भ्रम होता है कि वो डिटैच्ड है, वो प्रैक्टिस कर रहा है डिटैचमेंट, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में इन्वॉल्व हो रहा है। उसका एक्शन जो है एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट का है, कमिटमेंट का है, बट उसकी ये जो दकियान उसी फिलोसॉफी होती है, वो उसे ये एक्सेप्ट ही नहीं करने देती, इसलिए उसकी पर्सनालिटी कहीं यू नो इनसाइड से टर्न होती है, एक तरीके का द्वंद्व चल रहा होता है उसके अंदर कंटिन्यूसली। जब उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि वो दुनिया से एलिनेटेड नहीं है, उसने अपने आप को खुद से ही एलिनेटेड कर रखा है, इसलिए वो किसी से अटैच नहीं हो पाता, कहीं कोई जगह उसे अपनी नहीं लगती, कोई कल्चर उसे अपना नहीं लगता, इस बात का जब उसे एहसास होता है तो उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है। फिर उसे समझ में आता है कि अगर डिटैचमेंट पाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो है कर्मयोग। और इस तरीके से इस नॉवेल का जो है वो एंड होता है।